गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूब। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। आज के सेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। हाँ जी, पूरे वीक जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, एक क्विक रिविजन लेंगे सभी क्वेश्चन। हाँ जी, तो भाई जल्दी से एक बार सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि सब लोग कैसे हैं, क्या आप सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिथिलेश, अनवी, केदार, आकाश, सुभाष, नितिन कुमार, अभिषेक, ओके, काजल पासवान, सुयाश वर्मा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से घर में हैं, सुरक्षित हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। ओके ओके, चलो, बिहारी पहचान, क्लास शुरू हुई है, ठीक है, चलो तो थोड़ा शांति बनाए रखिए क्लास के अंदर। हाँ जी, एंड सॉरी गाइस, कल एक्चुअली आप लोग के क्लास नहीं हो पाए थे बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब कोविड वाले सिम्टम्स नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी, आज भी है इनफैक्ट, तो इसी वजह से बस आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट आज भी शायद मैं नहीं लेने वाली थी, बट मैंने सोचा कि वीकली करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो ये मुझे कैसे भी करके लेना ही है, एंड दैट्स व्हाई मैं लाइव आई हूँ आपके सामने। हाँ जी, तो फटाफट से थम्स अप दे दो कि यस मैम, वी ऑल आर रेडी एंड लेट्स बिगिन द सेशन। जल्दी से करके थम्स अप दे दे सारे स्टूडेंट्स की, यस मैम, जल्दी से क्लास को स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। शेर सिंह जी, केदार, शेर सिंह, आयुष्मान, विक्रांत, गुड मॉर्निंग। चलो, सो देखते हैं भाई आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, देखिएगा, यस सुयाश वर्मा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, तो मुझे कोविड कैसे हो सकता है। हाँ जी, सो देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर है नुवान जोयसा, इन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया। यानी कि जो क्रिकेटर थे वे श्रीलंका के, नुवान जोयसा जो थे, आईसीसी ने उनको बैन कर दिया है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन्हें कितने साल के लिए बैन किया गया है। हाँ जी, तो ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा। यस, फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। क्या बात है, तो चीजें तुम लोग को याद है, बिल्कुल सही भाई, इनको 6 साल के लिए बैन किया था गाइस। एक्चुअली इन्हें 2020 के अंदर दोषी पाया गया था, 3 अपराधों में दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन्हें क्या किया था, यहाँ पर 6 साल के लिए बैन कर दिया गया था। 6 साल के लिए आईसीसी ने इन्हें बैन कर दिया था। और आईसीसी के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना होती है, दुबई में हेडक्वार्टर है ना, और ग्रेग बार्कलेस के चेयरमैन है, सीईओ है मनु सहनी। इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि मैं बहुत बार आप लोग को ये चीजें लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। हाँ जी, और आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ भी स्टार्ट किया था, तो मार्च का याद रखिएगा बस आप लोग यहाँ पर, क्योंकि जनवरी का, फरवरी का ये बता चुकी बहुत बार, जनवरी का पूछा जाएगा और लेटेस्ट पूछा जाएगा, बीच वाले फिर भी एक बार को आप स्किप कर सकते हो। तो मार्च में कौन बने थे भाई, यहाँ पर मार्च के बने थे जो भुवनेश्वर कुमार है ना, मेंस कैटेगरी में, और वोमेंस कैटेगरी में कौन बने थे, जिनका नाम है यहाँ पर लिजेले ली बने थे, लिजेले ली बने थे, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई अनुज कुमार जी, यस वेरी गुड मॉर्निंग, भावनाओं में बहते हुए। अनिमेश कुमार, थैंक यू सो मच, और नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की, मैं आराम से बैठ के कंफर्टेबल क्लास ले रही हूँ, जब तक ले सकती हूँ मैं बिल्कुल लूंगी क्लास, जब मुझे लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो आई विल टेल यू, ओके। हाँ जी, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर गाइस यहाँ पर, यस वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। अमिताभ चौधरी को, आर एम सुंदरम को, टी रविशंकर को, या फिर टीवी सोमनाथन को, किसको अपॉइंट किया गया है? हाँ जी, तो क्या होगा भाई आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ओके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर आने स्टार्ट है, तो कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, क्या है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जिसके डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो ये कौन है, आर एम सुंदरम है, रमन मीनाक्षी सुंदरम इनका पूरा नाम है, रमन मीनाक्षी सुंदरम इन्हें बनाया गया है। ठीक है, राइस रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, राइस रिसर्च सेंटर ये मिलेगा उड़ीसा के कटक में। ठीक है, कहां पर मिलेगा, उड़ीसा के कटक में मिलेगा। इज दैट क्लियर? हां जी। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन किस देश में होता है, मैक्सिमम राइस का प्रोडक्शन चाइना में होता है। अगर हमारे देश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। कब से कहां पर, वेस्ट बंगाल में। प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन होता है यहाँ पर। ठीक है, और चाइना की तो पूछो मत, 193 मिलियन मीट्रिक टन होता है यहाँ पर हर साल। मतलब विश्व का 35% जो राइस का प्रोडक्शन है वो चाइना के अंदर ही किया जाता है, चाइना के अंदर ही उगाया जाता है विश्व का 35% चावल। ठीक है, हाँ जी, समझ आए यहां तक सभी को, क्वेश्चन आगे बढ़े। चलो एंड गाइस प्लीज एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दी और शेयर कर दी। अच्छा आज तो मैंने भी क्लास को शेयर नहीं किया है शायद ना, तो इसी वजह से बच्चे कम दिखाई दे रहे, तो मैं बोल देती हूँ टेलीग्राम पे सारे बच्चे आ जाए हमारे साथ जुड़ जाए। सो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को। काली मिट्टी के अंदर उगाया जाता है और जो चावल की जो खेती होती है, चावल की जो बुआई होती है, वो बेसिकली काली मिट्टी के अंदर की जाती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस देखो, अमिताभ चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें रीअपॉइंट किया था एक्सिस बैंक के MD CEO के रूप में। टी रविशंकर के बारे में जानते होंगे आप, RBI के जो बनाए थे, ये बेसिकली यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर, फोर्थ नंबर की डेप्यूटी गवर्नर इन्हें अपॉइंट किया था। ठीक है, टीवी सोमनाथन न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू हेल्प द चेस कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द एपिडेमिक, अफेक्टेड बाय द एपिडेमिक। हाँ जी, बताएंगे भी फटाफट से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके ऑप्शन नंबर डी कुछ बच्चे आंसर करें जो कि बिल्कुल सही, क्या, चेकमेट कोविड। ओके चेकमेट कोविड नाम है। मतलब देखो यहाँ पर जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, इसने शुरू किया है कि भाई जो चेस फेडरेशन के समुदाय की मदद करने के लिए, अगर उनमें से किसी को कोविड हो जाता है उनको यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाएगा, मेडिकल हेल्प दी जाएगी, साथ में उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस अभियान में क्या है, फाइनेंशियल एंड मेडिकल हेल्प दी जा रही है, फाइनेंशियल एंड मेडिकल हेल्प यहां पर दी जा रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा अभी क्वेश्चन बताओ फटाफट से मुझे कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, हाँ जी संजय कपूर को बनाया गया था। किसे, संजय कपूर को बनाया गया था। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक सभी को। बाकी देखो ग्रैंड मास्टर आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है वो तो विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें कुछ समय पहले वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, है ना। और 66 जो ग्रैंड मास्टर रहे थे भाई, उनका नाम है जी आकाश। और 66 जो ग्रैंड मास्टर रहे थे उनका नाम है मेंढका। एंड 68th ग्रैंड मास्टर, ये लेटेस्ट है, इनका नाम जरूर आपको याद रखना है, जिनका नाम क्या है भाई यहाँ पर, अर्जुन कल्याण नाम है। क्या नाम है, अर्जुन कल्याण। ठीक है, अर्जुन कल्याण। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। हाँ भाई फटाफट से बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया क्वेश्चन।
क्या बात है, क्या बात है, जोश तो काफी नजर आ रहा है तुम लोगों, बस फटाफट से सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कर दे ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं फिर उतना ही मजा आता है ना, कॉम्पिटिशन लगता है, उतना ही मजा आता है पढ़ने में, तो इसीलिए सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहे। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। हु वाज अवार्डेड द अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, हाँ जी किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। बताएंगे जल्दी से, चलिए ओके। वीकली करंट अफेयर्स चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है अनुज कुमार जी, हाँ वीकली करंट अफेयर्स चल रहा है। चलो देखो, अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर दें तो ये वाला जो अवार्ड है अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, ये दिया गया था गीता मित्तल को, जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में फॉर्मर चीफ जस्टिस ये रह चुकी है, तो इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन इनको जॉइंट रूप से दिया गया। इनके साथ में मैक्सिको की है मार्गरीटा लुना, मार्गरीटा लुना रामोस, इनको भी दिया गया, ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इनके साथ शेयर किया है ये अवार्ड इन्होंने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर भाई यहां तक क्वेश्चन सभी को? हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अवार्ड है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा दिया गया है, और इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2016 से ही की जाती है, जो कि इस बार गीता मित्तल को दिया गया है, ठीक है। गीता मित्तल जो कि पहली इंडियन बनी है इस अवार्ड को पाने वाली, इस अवार्ड को पाने वाली पहली इंडियन बनी है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, तो अब आप लोग मुझे फटाफट से ये बताओ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो जॉइंट हाईकोर्ट है उसमें जो एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है वो कौन है। चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके मनोज कुमार नेहरा जी, ओके चलो, तो यहां पर देखो जो आंसर होगा आपका दैट इज राजेश, सॉरी पंकज, ठीक है पंकज मित्तल। ओके सॉरी मित्तल नहीं, माथुर है यार, सॉरी सॉरी पंकज माथुर ना, यस हाँ जी, वो गीता मित्तल वाला मित्तल मुझे ध्यान नहीं रहा, पंकज माथुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी, यहां तक समझ में आया सभी को क्वेश्चन? चलो ओके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा पिंक की बात करते हैं। पिंक कौन है? ये जो है एक सिंगर है बेसिकली, और 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया जाएगा, तो ये कौन है, ये एक सिंगर है। मारिया रेसा की बात करते हैं, ये यूनेस्को गुलमर्गो कैनो विश्व प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें चुना गया है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है फिलहाल, तो इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना। प्रियंका राव भावनाओं में बहते हुए, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा दिया है, जिसकी स्थापना 1991 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वेनेसा रुइज है जो कि इसके प्रेसिडेंट है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ पर शौना विल्सन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? शौना विल्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड द फाउंडर ऑफ द आरएलडी पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी थे है ना, उनके संस्थापक का निधन हो गया, तो उनका नाम आपको बताना है कि यहां पर क्या है। So, कुछ ए आंसर करे तो कुछ सी आंसर करे। सी वाले बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, तुम तुक्का बहुत लगाते हो। देखो
अजीत सिंह होगा यहाँ पर आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह, उनके ये बेटे हैं अजीत सिंह, और इन्हीं को यहाँ पर सॉरी इन्हीं का जो है यहाँ पर निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये इन्हीं के क्या थे, बेटे थे, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, है ना, अजीत सिंह, और अभी फिलहाल इनका निधन हो चुका है। राष्ट्रीय लोक दल के जो है ये क्या थे, फाउंडर थे, यहाँ पर इसके संस्थापक थे, राष्ट्रीय लोक दल के ये संस्थापक थे, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़े, वी कल्याणन की बात करते हैं, महात्मा गांधी के फॉर्मर सचिव थे ये, और इनका निधन हो चुका है अभी। जगमोहन मल्होत्रा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के ये फॉर्मर राज्यपाल रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं जगमोहन मल्होत्रा, तो इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। दो बार ये गवर्नर रहे थे जम्मू कश्मीर में। मंजूर अस्तशासन एथिशाम, सॉरी इनका नाम, इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार थे ये, और कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया। दादूदान गांधी गुजराती भाषा के ये कवि थे। राजन मिश्र की बात करते हैं, हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत के दिग्गज थे, तो इन सभी का निधन कोविड की वजह से हुआ था। सोली सोराब जी अटॉर्नी जनरल थे, फार्मर जगदीश खट्टर मारुति सुजुकी के फार्मर एमडी थे। केवी आनंद तमिल फिल्मों के डायरेक्टर थे, तो ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चंद्रू तोमर प्रकाशी तोमर दोनों बहन है, शूटर दादी, सांड की आंख मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिसका रोल प्ले करते भूमि पाटनेकर और तापसी पन्नू, तो वही चंद्रू तोमर का निधन हो चुका है उनमें से। पारू देवी असम की पहली महिला आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं। पंडित देबू चौधरी ये एक सितार वादक रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी एंड गाइस प्लीज, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर करने में कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, दिल खोल के सेशन को शेयर करना है और सिर्फ एक दिल बड़ा करके एक लाइक करना है, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते, और नलायक जितना वॉचिंग चल रहा है एटलीस्ट उतना तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, जितना वॉचिंग चल रहा है उतना सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, स्वस्थ आहार सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है, स्वस्थ आहार सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है ये आपको बताना है। हाँ जी बताएंगे भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सरोज कुमार जी गुड मॉर्निंग, यस। एंड वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया सब लोगों ने ये बताओ मुझे, वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया सब लोगों ने, कितने लोगों ने लगाया जरा कमेंट करके बताओ मुझे। यस देखो कुछ बच्चे मध्य प्रदेश भी आंसर कर रहे हैं, बेटा भावनाओं में नहीं बहना है, यहाँ पर सही आंसर होगा महाराष्ट्र आपका, ठीक है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो स्वस्थ आहार सेवा योजना क्या है, मतलब क्या है कि हॉस्पिटल्स में किसी के फैमिली वाले मान लो कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिट है, अब उनको खाना पानी देने के लिए उनके फैमिली से कोई भी आता है तो वो भी उसके कॉन्टेक्ट में आने से वो भी संक्रमित हो सकता है, वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो ये एक खतरा है इस चीज से, है ना, तो बेचारा वो भी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बगल में उसका भी बेड लग जाएगा, तो खाना कौन लेकर आएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो समस्या है वो यही है कि ये जो चैन है वो टूटेगी नहीं, इसकी वजह से ये चैन और भी बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया तुम अपने घर में रहो, तुम्हारी फैमिली का ख्याल हम रखेंगे, उनको खाना पानी टाइम से हम देंगे, ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन मरीजों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा, खाना प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बताओ फटाफट से समझ आया कि नहीं। ओफो मैं चार्जर डेली लगाना भूल जाती हूँ यार, सच में काफी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। फटाफट से गाइस आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो यहाँ पर, अच्छा कि नेक्स्ट भी नहीं होगा, रुको एक सेकंड।
हाँ जी ओके हाँ ये ऑल्सो अच्छा तुम सभी भी भुलक्कड़ हो। चलिए सो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर था भाई महाराष्ट्र यहाँ पर ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क से देखो जैसे कि आपका चमोली नेशनल पार्क हो गया एक आपका चंदोली हो गया गुंगावल नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क है तटोवा नेशनल पार्क है तो ये सभी मिलेंगे महाराष्ट्र में। सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है भाई यहाँ पर आपके भगत सिंह कोश्यारी है ठीक है जो कि गोवा के भी गवर्नर है ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 किस भारतीय कंपनी ने 55,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल के साथ 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्म की सूची में प्रवेश किया है। हाँ जी विच इंडियन कंपनी हैज एंटर्ड द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म विद अ मार्केट कैप ऑफ ₹55,500 करोड़। ओके बिहार वाले भी ने आंसर करो फटाफट से। चलो देखो भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते तो यहाँ पे जो सही आंसर बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सभी का सही है सेल ठीक है सेल इज योर करेक्ट आंसर यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना कब की जाती है जिसकी स्थापना 1954 में होती है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है नई दिल्ली के अंदर। सोमा मोंडाल है जो कि यहाँ पर इसकी सीईओ है। ठीक है देखो इससे पहले भी एक लिस्ट आती है जिसमें बताया गया था 100 सबसे प्रभावशाली कंपनीज की लिस्ट में भारत की 2 कंपनीज शामिल की थी जिसमें एक रिलायंस जियो को शामिल किया था और दूसरी जो कंपनी थी वो बायजूस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि तो याद रखिये आप लोग रिलायंस जियो एंड बायजूस इन दोनों को शामिल किया था 100 मोस्ट पावरफुल कंपनीज की जो लिस्ट आती है उसमें। ठीक है तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ऑल ओवर मार्केट की बात करें तो जो है 78th रैंक पे रहा है जो सेल आपकी कंपनी है वो कौन से नंबर पे रही है ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में 78th नंबर पे रही है ऑल ओवर की कैटेगरी में। ठीक है हाँ जी आगे बढ़े नेक्स्ट टॉप 5 कंपनीज इन द लिस्ट 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज टॉप 5 कंपनीज कौन कौन सी रही है यहाँ पर देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है फिर HDFC बैंक है फिर इंफोसिस लिमिटेड है फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट ग्यारहवीं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी जीता है जूरी जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी रही मतलब जूरी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिल्म रही है वो कौन सी रही है गली बॉय रही है लक्ष्मी रही है जंगल क्राई या फिर थप्पड़ रही है। हाँ जी क्या लगता है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका क्या होना चाहिए आंसर जो आ रहे दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी यहां पर आ रहे देखो येलो ए भी आंसर आ गया गली बॉय तो सी वाले बच्चों का सही है बाकी सब तुक्का लगा रहे हो। जंगल क्राय की बात करें यहां पर जंगल क्राय आपका सही आंसर होगा और ये जो फिल्म है बेसिकली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स है उन्हीं के द्वारा बेसिकली उन्हीं को जो है ये दिया गया यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स है 12 स्टूडेंट्स है यहाँ पर उनकी रियल स्टोरी यहाँ पर बताई गई है इस मूवी के अंदर इन 12 स्टूडेंट्स की रियल स्टोरी बताई गई है इस मूवी के अंदर जो काफी ज्यादा इंस्पिरेटिव है और इसी वजह से यह अवार्ड इन्हें दिया गया। बाकी देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में हम बहुत पहले काफी बार पढ़ चुके हैं इसमें बेस्ट फिल्म कौन से चुनी थी तान्हाजी है बेस्ट एक्टर आपकी अक्षय कुमार है लक्ष्मी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर जो है वो दीपू है छपाक मूवी के लिए राइट Yes, तो बहुत बार हम ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले से ही। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हाँ
हाँ जी नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जो है वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप? हाँ जी, क्या लगता है इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर करके बताएंगे फटाफट से सभी लोग। ओके ओके, नलायको आंसर करो फटाफट से। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही है, मे फ्लावर 400। वेरी नाइस। देखो मे फ्लावर 400 ये जहाज है जो कि क्या काम करेगा, समुद्र के अंदर जो एक्वाटिक मैमल्स है उनको ट्रैक करेगा, है ना। पानी के अंदर अगर प्लास्टिक कचरा है तो उसका उसका पता लगाएगा, ठीक है, और मरीन पॉल्यूशन की स्टडी करेगा, मरीन पॉल्यूशन जो है वो कितने लेवल तक बढ़ चुका है, कितना है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जिसका नाम क्या है, मे फ्लावर 400। ठीक है, ये मे फ्लावर 400 समुद्र में इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। कितने देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया है? देखो भाई, ये जो है ना 400 मे फ्लावर 400 जो 9 टन का वजन है इसका, मानव रहित है, 15 मीटर लंबा ट्रीमर है, ये पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। ठीक है, इस जहाज की बात करते हैं तो भारत, यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न राष्ट्रों ने इस प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज में योगदान दिया है। इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर के इसको बनाया है। जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूर्य की ऊर्जा सौर पैनलों द्वारा संचालित है, इसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, सूर्य की किरणों के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हाँ जी, समझ आए भाई यहाँ तक सभी को क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट, देखिए भाई, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है, 1100, ये क्या है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, तो आपको बताना है किस राज्य ने इसको शुरू किया, हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने या फिर राजस्थान ने? हाँ जी, किस राज्य ने इसको शुरू किया है? हाँ जी, उत्तराखंड के लाल। नहीं, आज तबीयत बिल्कुल सही नहीं है यार मेरी, आज तबीयत ठीक तो नहीं है, लेकिन बस क्लास लेना आज इम्पोर्टेंट था इसलिए छुट्टी नहीं की मैंने। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा? ओके, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। क्या बात है, क्या बात है, सभी का आंसर यहाँ पर हरियाणा है। चलो, सो मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पर आप सभी बिल्कुल गलत जा रहे हो। जो बच्चे आंसर करे ऑप्शन नंबर ए उनका सही है, नितिश गुप्ता, वेरी नाइस। और सभी हरियाणा की तरफ क्यों जा रहे हैं? निमेश का भी आंसर ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था ये, हिमाचल प्रदेश ने। कि कोविड के मामलों से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप 1100 नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो यहाँ पर सीएम हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने इसको शुरू किया, हेल्पलाइन नंबर दिया 1100, इस पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। कोविड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, वैक्सीन के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि कौन कौन सी मुद्दों की वैक्सीन है, होम क्वारंटाइन है, दवाइयां हैं, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन जैसे विभिन्न मुद्दों पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो है सलाह ले सकते हो, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, सो समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है, यहाँ पर पाई जाती है लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश के अंदर है लाहौल घाटी, जहां पर सबसे पहले हींग की खेती की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा 100% एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंचायती राज पुरस्कार पहली बार इसी ने जीता था, पंचायती ई पंचायत पुरस्कार।
ई पंचायत पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने ही जीता था। जयराम ठाकुर यहाँ पर सीएम है और बंधारू दत्तात्रेय यहाँ पर गवर्नर है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पर? लिंगप्पा नारायण स्वामी है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की हैं 4 सीटें यहाँ पर। इज दैट क्लियर? ओके, नितिश राणा जी, क्लास का टाइमिंग होता भी रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है, ठीक है? तो आप रोज सुबह 7 बजे आ सकते हो। हाँ जी, डेली होती है, बिल्कुल। बिहार वाले विनय, हाँ थैंक यू सो मच यार। अभी आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ओवर कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? अभी जब तक मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बच्चों को बड़ी टेंशन हो रही है कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप प्लीज क्लास ओवर कर दीजिए, बाद में ले लीजिएगा क्लास कल। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं गाइस। ओके, सो मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर करें, जो कि बिल्कुल सही है। एन रंगा स्वामी जो करेक्ट आंसर है, जो पुडुचेरी के सीएम जो बने हैं, एन रंगा स्वामी को यहाँ पर बनाया गया है। किन्होंने अपॉइंट किया है? गवर्नर है जो यहाँ पर एडिशनल चार्ज इन्हें दिया है, तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन ने जो एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, शपथ दिलाई है। फोर्थ टाइम यहाँ के ये सीएम बने हैं रंगास्वामी, चौथी बार यहाँ पर ये सीएम बनाए गए हैं पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एम के स्टालिन जो है ये कहाँ पर बने हैं भाई? तमिलनाडु के बने हैं। एम के स्टालिन तमिलनाडु बने। एडापड़ी के पलानीस्वामी इस्तीफा दे चुके हैं, इनकी जगह पे इन्हें बनाया गया है। पिनरई विजयन ये केरला के सीएम है। ओके, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। ये है रंगास्वामी जी। नेक्स्ट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ काउंसलिंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द 9th ग्रेड टू द 12th ग्रेड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऐप? आंसर बताएंगे गाइस फटाफट से इस क्वेश्चन का।
नलायक को सुधर जाओ तुम लोग ना, मतलब शर्म नहीं आती है बिल्कुल। ये नहीं कि पढ़ाई पे फोकस करें, फालतू की चीजों पे तो पूरा फोकस तुम लोगों का रहता है, बस ये क्वेश्चंस को छोड़ करके ना, पढ़ाई को छोड़ करके। मिस्टर संदीप बेटा तुम क्लास से दफा हो जाओ, ठीक है, तुम क्लास से दफा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत, तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, बेइज्जत होना चाहते हो तो क्लास में रुको, अगर तुमको इज्जत पसंद है अपनी, मतलब इज्जत चाहिए तो यहाँ से दफा हो जाओ, ठीक है। चलो अब तुम्हारी मर्जी कि तुमको बेइज्जती करवानी है या तुमको अपनी इज्जत करवानी है, क्योंकि यहाँ पर तुमको बहुत बेइज्जती करूंगी मैं, अगर क्लास में 2 मिनट भी मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मिस्टर संदीप, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो क्या था भाई क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी कि सीबीएसई ने क्या किया, 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए एक काउंसलिंग ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था दोस्त फॉर लाइफ, जिसका नाम क्या था, दोस्त फॉर लाइफ। मतलब देखो 12th क्लास के बाद क्या होता है ना कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ बच्चे तो 9th स्टैंडर्ड के बाद ही शुरू, मतलब 9th स्टैंडर्ड के बाद ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि 10th में आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, एक तो वहां पर काउंसलिंग की जरूरत होती है कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते तो मेडिकल के फील्ड में जाना है आपको, है ना, लाइक आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वाली चीजें करनी है तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स फील्ड में जाना है। टीचर बनना है या फिर आप पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है या फिर कुछ एक सब्जेक्ट से कुछ ऑनर्स करना चाहते हो तो आप आर्ट्स फील्ड में जा सकते हो। मतलब यहाँ पर ये चीजें होती है, समझाई जाती हैं, जो कि काउंसलिंग की जाती है, जो आप सभी जानते ही हैं फिलहाल तो, और 12th क्लास के बाद भी काउंसलिंग होती है यहाँ पर, है ना, कि अब आपको कौन सा चेक करना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए भाई, बीएससी करना है, बीबीए करना है या फिर तुमको बीए करना है, क्या करना है, तो इस चीज के लिए काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी वजह से दोस्त फॉर लाइफ एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। तो इसको लॉन्च किया है अभी सीबीएसई ने, इसको लॉन्च किया है किसने, सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है। सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके जो स्थापना है वो 1962 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा, मनोज आहूजा इसके चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है भाई वो कौन है, मनोज आहूजा है, ठीक है, मनोज आहूजा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ जी, सो ये सीबीएसई की है दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, देखो किस राज्य ने देश का पहला ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र शुरू किया है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स मतलब कि ड्राइव करके आओ और वही वैक्सीनेशन सेंटर समझा जाएगा, वहीं पर जो है आपको टीका लग जाएगा, गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है, इस तरह से सेंटर स्थापित किया है, क्योंकि डोर टू डोर जाने की परमिशन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी है इसी वजह से। हाँ जी गाइस प्लीज, जितना वॉचिंग चल रहा है सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक जरूर करेंगे, है ना, लाइक जरूर करना, अगर क्लास अच्छी लगे ना तो सेशन को लाइक करना चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके हाँ जी ओके, सो यहाँ पर जो आंसर आ रहे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ज्यादातर आंसर ए आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, महाराष्ट्र इज योर करेक्ट आंसर, देखिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा है कि भाई ड्राइव इन टीकाकरण, यानी कि आप ड्राइव करके अपनी गाड़ी में आओ, आपको गाड़ी से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है, सेंटर पे आओ, यहीं पर जो है आपको टीका लगा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डोर टू डोर जाने की परमिशन नहीं दे रही है आपको, हॉस्पिटल्स में या कुछ सेंटर वगैरह स्थापित है वहां पर जाकर ही वैक्सीन लगवाना है, तो यहाँ से एक, मतलब यहाँ पर भी कोविड बढ़ने का खतरा है, तो इसी वजह से ये सॉल्यूशन निकाला है कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, आपको गाड़ी में ही लग जाएगा वैक्सीन, ठीक है। या पिक्चर इस प्रकार से देख सकते हो, ये है वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी के अंदर ही देखो, यहाँ पर वैक्सीन लगाई, ये माता जी को लग रहा है यहाँ पर वैक्सीन, ठीक है, ये हेल्थ वर्कर्स है जो वैक्सीन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये शुरू किया गया है भाई, महाराष्ट्र के अंदर इसको शुरू किया है, इज दैट क्लियर। और वैक्सीन जिन बच्चों ने नहीं लगवाया है वो जरूर वैक्सीन लगवा ले, ठीक है, जिन्होंने भी नहीं लगवाया, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप जिंदा रहो, ठीक है, ये तो नहीं कहूंगी कि आप सेफ रहो, मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि आप, मतलब एकदम चुस्त तंदुरुस्त रहो, मतलब कहने का ये कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड तो हो रहा है लेकिन आज जान को खतरा नहीं है,
जान को खतरा नहीं, आप मरोगे नहीं, है ना। ऑक्सीजन की जो कमी की वजह से लोग मर रहे हैं वो वैक्सीन वाले केसेस में नहीं आ रहा, जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें किसी की भी डेथ नहीं हो रही है। उन लोगों को कोविड जरूर हो रहा है लेकिन उनकी बॉडी रिकवर कर जा रही है, इसी वजह से ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मुंबई से कैपिटल है, उद्धव ठाकरे सीएम है, भगत सिंह को शाही जो उसके गवर्नर है, और दीपांकर दत्त है जो उसके क्या हो जाएंगे यहाँ पर चीफ जस्टिस हो जाएंगे। लोनार लेक मिलेगी आपको महाराष्ट्र के अंदर, जिसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, बाकी महाराष्ट्र के जितने नेशनल पार्क से पीछे पड़कर आए थे हम सारे याद हो गए सब लोगों को, है ना। हाँ जी, आगे बढ़े, अच्छा वोकलिस्ट कह रहे हैं कि मैम ऐसी हालत में जीकर भी क्या करे। बेटा ये संकट का समय है, जैसे ये समय आया है वैसे ये समय चला भी जाएगा, है ना। जब बुरा समय आता है तो बुरा समय जाता भी है, दोबारा फिर से अच्छा समय आता है। अब लग रहा है ना मोदी के राज में अच्छे दिन थे, अब वो चले गए हैं, है ना। जब चले गए तब पता चला कि यार वो तो अच्छे दिन ही थे, हमें दिखाई ही नहीं दिया कि वो अच्छे दिन थे, है ना। मतलब अब आम जिंदगी जीना ही आम आदमी का सपना सा हो गया है कि यार फिर से गोलगप्पे खाए जा करके हम फिर से शॉपिंग करने जाए, फिर से हम बाहर घूमे, दोस्तों से मिले, फिर से, है ना, मूवी रिलीज हो या फिर से जाए मूवी देखने। किसी का राधे देखने का भी मन कर रहा होगा, हाँ चलो किसी का नहीं कर रहा है, ओके जी बिल्कुल। देखो नेपाल की कौन सी पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कामी रीता शेरपा, ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, पर्वतारोही हैं, और जो माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है यहाँ पर 8848.86 मीटर, इस पर चढ़ाई करके इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, 25 बार चढ़ाई की इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स कुछ और भी बनाए हैं, भारत में पहली महिला बछेंद्री पाल बनी थी आपकी, ठीक है, और लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला जो है वो संतोष यादव बनी थी। ठीक है, एक नाम याद रखोगे अमृता शेरपा का, ये भी नेपाल से बिलोंग करती हैं, और 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करके एक विश्व रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था, जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इनका नाम दर्ज हुआ था। ओके, इन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, हिम तेंदुआ कहा जाता है अमृता शेरपा को, ये कहां से है, नेपाल से। ठीक है, हाँ जी, क्लियर अभी क्वेश्चन यहां तक सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, प्रियंका मोहिते इन्होंने भी तो नेपाल की जो अन्नपूर्णा चोटी वहां पर चढ़ाई की थी, अनीता कुंडू इन्होंने भी नेपाल का जो एक माउंटेन है लोबुचे, माउंट लोबुचे पे चढ़ाई करी थी, 24 घंटे कंटिन्यूअस चढ़ करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड यहां पर स्थापित किया था। तो इन दोनों का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान में प्रतिष्ठित सीएसएस परीक्षा को पास करने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है। हाँ जी, हु बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू पास द प्रेस्टिजियस सीएसएस एग्जाम इन पाकिस्तान। चलिए फटाफट से आंसर कर बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, चलिए मोस्टली बच्चे सी कर रहे हैं, बाकी देखो ए और बी भी आंसर आ रहे हैं, बेटा वो ध्यान से पढ़ो। सना रामचंद की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में पहली महिला बनी है जो कि हिंदू है और सीएसएस एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना, सुमन कुमारी, कुछ बच्चे आंसर करें वो ध्यान से सुनो, नलायको पहली हिंदू महिला जज थी, पहली हिंदू महिला जज थी पाकिस्तान के अंदर। मनीषा रुपेते के बारे में पीछे ही हम लोग पढ़कर आए हैं, पहली महिला, अच्छा इसके बारे में नहीं पढ़ा था, पहली महिला हिंदू महिला डीएसपी बनी है ये। आयशा अजीज, ये तो सबसे कम उम्र की क्या थी, पायलट है, सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री से सम्मान प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो चुका है, इनका नाम बताना है कि क्या था। अजीत सिंह, बी कल्याणम, जगमोहन मल्होत्रा, वनराज भाटिया। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल शायद आप लोगों को लगे क्योंकि इनका सबका ही निधन हो चुका है। ओके, एंड सबके बारे में आप पढ़ भी चुके हो, ये संगीतकार कौन थे पर ये बताना है आपको। इनमें से संगीतकार जो वो एक ही है और वो है वनराज भाटिया, है ना। इन्हें अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1989 में, संगीत अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया था 2012 में, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। ओके हाँ जी, क्लियर भाई यहाँ तक सभी को क्वेश्चन? यस, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते। हर साल 8-9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस मनाया जाता है, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? उत्तराखंड के नालायक। हाँ देखो भाई, 8-9 मई को यहाँ पर बेसिकली अमेरिकन आर्मी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और उनको उनके स्मार्ट मतलब उनकी याद में दिया जाता है, जो कि इसकी शुरुआत 2004 से की गई थी। इसमें उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका जो हुआ था 1939 से 45 तक जो चला था, इस दौरान जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये दिया जाता है। ठीक है, 8 और 9 मई को ये अवार्ड दिए जाते हैं, अमेरिकन आर्मी के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो, किस राज्य ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? विच स्टेट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट पॉन्ड्स फॉर हार्वेस्ट रेन वाटर? मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, आंसर बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर, कुछ के डी आ रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज हिमाचल प्रदेश भाई, ऑप्शन नंबर डी। हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है, ठीक है, किसने? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। इसमें देखो क्या है, बेसिकली जो भी जो तालाब है, नदियां हैं, उन सभी को मतलब यहाँ पर क्या किया जाए, उनके रख रखाव, उनके साफ सफाई, उसके लिए कार्य किया जाएगा। मिट्टी का कटाव जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, तो जिसके लिए ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने, एक योजना के तहत इसको शुरू किया है, पर्वत धारा योजना है, पर्वत धारा योजना के तहत शुरू किया है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा, वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल यहां पर शुरू की गई है। तो अभी ये बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंद्रनगर, नाचन, पार्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़, टियाग और डलहौजी में 10 वन प्रभागों में शुरू किया है। ये सभी हिमाचल प्रदेश के स्थान है, तो अभी फिलहाल यहां 10 जगहों पर इसको स्टार्ट किया है, तालाब वगैरह की साफ सफाई और रख रखाव के लिए इसको शुरू किया गया। किस योजना के तहत शुरू किया है? पर्वत धारा योजना के तहत इसको शुरू किया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? Who has become the national president of Fikki Ladies Organization? हाँ जी, तो आंसर जो आ रहा है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है भाई, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वला सिंघानिया इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही।
उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष यहाँ पर अपॉइंट किया है, उज्ज्वला सिंघानिया को अपॉइंट किया है। ठीक है, फिक्की की बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग, तो देखिए 38वें अध्यक्ष के रूप में ने यहाँ पर बनाया गया है, 38th अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं फिक्की के, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। ठीक है, हाँ जी। बाकी ऑप्शन मल्लिका श्रीनिवासन है, चेयरपर्सन बनी थी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की। एंड अंजलि भारवा सेक्रेटरी बनी थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पूनम गुप्ता डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। गाइस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस चलो होमवर्क के रूप में रख लीजिए, आपको आज नहीं करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस। एक्चुअली आप लोग को पता है तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, वैसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा और भी बचे हुए हैं आपके, इतनी जल्दी क्लास ओवर होने वाली नहीं थी, बट जैसा कि आप लोग को पता है आज तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है मुझे, तो इसी वजह से आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। हाँ जी, फीवर जैसा फील हो रहा है बिल्कुल। ओके, सो जाने से पहले मेरे सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास अगर अच्छी लगी है तो, और चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास के लिए माफी चाहती हूँ गाइस, थोड़ा सा आज शायद जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको लगा होगा कि मैम थोड़ा सा आप उस तरीके से पढ़ा रही है, लटक लटक इन द सेंस कम एनर्जेटिक लग रही है, तो गाइस आज थोड़ा सा तबियत बहुत ज्यादा मेरी डाउन है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आई मीन थोड़ी सी डाउन है आज मेरी तबियत, इसी वजह से ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्लास अगर मेरी तबीयत सही रही तो आज शाम वाली क्लास लेते हैं 8:30 बजे, अदरवाइज ये क्लास आपकी कल सुबह 7 बजे होगी। ठीक है, जो क्लास का टाइमिंग है वो रेगुलर टाइम जो है वो सुबह 7 बजे ही होता है। हाँ जी, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। ओके, चलो सो मिलते हैं गाइस कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।